नीतीश कुमार को हल्के में भाजपा के लोग नहीं ले रहे हैं और नीतीश कुमार मंजे हुए खिलाड़ी हैं और जिस तरह से वो लगातार सभी विपक्षी नेताओं से मिलकर भाजपा के खिलाफ सभी विपक्षी नेताओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं अगुआ का भूमिका नहीं निभा रहा हूं, अगर सभी लोग जो लोग को भी भ्रष्टाचारी के नाम पर सीबीआई और ईडी का छापा हो रहा है सभी राज्यों में विपक्षी नेताओं पर, अगर मोदी जी को नहीं हटाया गया, सरकार को नहीं हटाई गई तो परेशानी आप लोगों को बढ़ेगी, ऐसा कहकर सभी नीतीश कुमार सभी को एकजुट करने में लगे हैं। नीतीश कुमार मंजे हुए खिलाड़ी हैं और जेपी सेनानी हैं और 74 के उपज के हैं, बहुत सारे लोग उनको बिहार में तो उनका कोई मुकाबला करने वाला है ही नहीं, चाहे किसी भी दल में हो, और देश लेवल पर भी उनकी एक छवि अच्छी है, उनको हल्के में भाजपा भी नहीं ले रहा है और वो जिस अभियान में लगे हैं तो बहुत जल्द ही पता चलेगा वो विपक्षी एकता को एकजुट जरूर कर देंगे, परिणाम जो भी हो अधिकतम विपक्षी दल एक हो जाएगा, उसमें भाजपा क्या करती है तो समय बताएगा। लेकिन ये बात सही है कि जिस तरह से वो लगे हुए हैं भाजपा के लिए, मोदी सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए भाजपा के थिंक टैंक के लिए भी उनको पता भी नहीं चला और सरकार चेंज हो गया, तो एक मिनट में वो सत्ता से बिहार को भी दखल किए, ऐसे हैं जो भाजपा के थिंक टैंक को भी पता नहीं चलता है कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार हैं और निश्चित रूप से देश में कुछ अलग हो सकता है, हम लोग इंतज़ार करते हैं कि आगे विपक्षी एकता और मोदी सरकार, मोदी थिंक टैंक क्या कर रहे हैं।